Hello students, today I am going to teach you moral science subject. Chapter number 8 है learn to concentrate. हमने पूरा lesson समझा, पढ़ने में बार read भी किया, आपको explanation इसके about दिया है. Today I am going to teach you answer the question. जो question हैंगे lesson के उस पर अपन जाते हैं. Answer the following जो question हैंगे उसको हम नीचे दिए गए हैं उनके हम answer लिखेंगे. नंबर वन है, हाउ कैन सक्सेस कम टू अस, यानी हाउ कैन सक्सेस अपने पास कैसे आ सकता है, कैसे अपने को कामयाबी मिल सकती है. हाउ कैन सक्सेस कम टू अस, आंसर लिखेंगे इफ हम अगर क्या है अच्छी तरह पढ़ेंगे, इफ वी लर्न टू कॉन्सेंट्रेट. If we learn to concentrate, concentrated, हम अगर बिल्कुल ध्यान से कोई भी चीज पढ़ेंगे, all our strength on सभी ताकत जो हम दिमाग है ताकत है एक चीज पर लगाएंगे तो क्या है सक्सेस हमारे पास जरूर आएगा आ सकता है. तो if we learn to concentrate all our strength on one thing, success can come to us. हम ध्यान से हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ अच्छी वो चीज पे अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ध्यान रखेंगे तो क्या है एक ही चीज पर तो हमें क्या है उस चीज में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी. तो है हाउ कैन सक्सेस कम टू अस, सक्सेस कैसे अपने हासिल कर सकते हैं. आंसर इफ वी लर्न टू कॉन्सेंट्रेट ऑल आवर स्ट्रेंथ ऑन वन थिंग सक्सेस कैन कम टू अस, सक्सेस अपने पास आ सकता है कामयाबी हमें मिल सकती है. नंबर टू, व्हाट हैपन्स टू सक्सेस इफ आवर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स, क्या हो सकता है यानी व्हाट हैपन्स क्या होता है टू सक्सेस इफ आवर जो अपना दिमाग है जो अपना अटेंशन है जो माइंड है उसको क्या है अपने अगर क्या है बहक जाए तो क्या हो सकता है बाय अनवांटेड थिंग्स जो हमें नहीं चाहिए वो चीजों के लिए तो क्या हो व्हाट हैपन्स क्या होगा. तो यही आंसर लिखेंगे इफ आवर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड, क्या है इफ आवर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल, क्या है जब हमारा दिमाग नहीं लगेगा वो काम में बहक जाएगा और अनवांटेड बाय अनवांटेड थिंग्स पर हम ध्यान रखेंगे जिसे हमें नहीं चाहिए तो क्या होगा इट इज डिफिकल्ट मुश्किल है टू बी सक्सेसफुल हमें कामयाब होना मुश्किल होगा. तो इफ आवर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल. नंबर थ्री, व्हाई डिड द्रोणाचार्य टेल युधिष्ठिर एंड दुर्योधन अबाउट व्हाई दे वेर अनेबल टू टैक एम, Why did Dronacharya tell Yudhishthira and Duryodhana about why they were unable to take aim? क्यों द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर और दुर्योधन तुम लोग क्या हो तीरंदाजी के लायक नहीं हो तुम्हारे को तीरंदाजी में तुम अनेबल हो क्यों ऐसा बोला उन्होंने. Why? तो हमें उसका रीजन लिखना है.
यहाँ है रीजन लिखेंगे कि वाई डिड, अब इसमें है कि वाई डिड, वाई यानी क्यों, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम उसका रीजन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द्रोणाचार्य टोल्ड युधिष्ठिर एंड दुर्योधन अबाउट दे वेर अनेबल टू टेक एम बिकॉज, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टूड, वो क्या है तीरंदाजी का जो है, जो वे दो उन्होंने टेस्ट लेने चाहिए थी द्रोणाचार्य ने, उसमें क्या है और वो उसको टेस्ट को वो समझ नहीं सके, तो क्या है द्रोणाचार्य टोल्ड युधिष्ठिर एंड दुर्योधन अबाउट दे वेर अनेबल टू टेक एम बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द आर्ट, द आर्ट ऑफ टैकिंग एम, वो क्या है, उन्होंने इसलिए मना कर दिया था जो टेस्ट लेना चाहते थे द्रोणाचार्य, कि भाई तुम्हें क्या दिखाई देते हो, तो उसे क्या, सबको क्या दिखाई देना चाहे, उन्होंने बोला कि अपने को बड़की आंख में क्या निशाना लगाना है, लेकिन वो लोगों को क्या है सब कुछ दिखाई देता था, बोले था डालियां दिखती, ब्रांच बड़ दिखता है, डाली भी दिखती, पत्ते दिखते हैं, बट क्या है बड़की आईज भी दिखती है, पर सब कुछ हमें एवरीथिंग दिखाई देती है, तो बट क्या है उन लोगों को क्या है एम जो उसका जो था तीरंदाजी का जो उनका मकसद था वो पूरा नहीं कर सकेंगे, इसके लिए द्रोणाचार्य ने बोला कि क्या है तुम क्या हो अनेबल हो टू टेक एम, क्या है तुम अनेबल हो टू टेक एम, तो भाई तो हम लिखेंगे कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ टेकिंग एम, नंबर 4 वाई वॉज अर्जुन, अब जो छोटा सबसे भाई था अर्जुन थे, तो अर्जुन को वाई वॉज, क्यों अर्जुन एबल था लेने के लिए, क्यों उसको आता था, उसने समझा था वो टेस्ट को, एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आर्चरी, वाई वॉज अर्जुन एबल to understand the art of archery, वो क्यों समझ सका था अर्जुन, आंसर लिखेंगे अर्जुन was able to understood, क्या है to able था understood the art of archery because he had understood, क्या है अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ टैकिंग एम, तो क्या है वाई वॉज अर्जुन एबल टू अंडरस्टैंड, क्या है अंडरस्टैंड है तो क्या है वो समझ सका था कि भाई ये क्या है, तो हम लिखेंगे अर्जुन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आर्चरी बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ टैकिंग एम, जो निशानेबाजी जो टेस्ट था निशाने लगाने का उसको समझ सके थे अर्जुन, और उन्होंने क्या है सही निशाना भी लगाया, उन्होंने जो बड़की आइस पे निशाना ताकने का था उसी पर उन्होंने निशाना लगाया और वो आंख बराबर उनके निशाने पर ही बैठी, तो क्या है उनकी विनर हुई, उनकी जीत हुई, तो क्या है अर्जुन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आर्चरी बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड, समझ गए थे द आर्ट ऑफ टैकिंग एम, नंबर 5 वॉट शुड बी अवर एम इन रियल लाइफ, अपना क्या मकसद होना चाहिए, वॉट शुड बी अवर एम इन रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ है वो हमारे भी कुछ मकसद होना चाहिए वो सीखने का, तो क्या हमारे क्या हो सकता है वो, इन आंसर लिखेंगे इन अवर रियल लाइफ वी शुड कॉन्सेंट्रेट, क्या है हमें ध्यान से हर चीज करनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट विथ अवर माइंड एंड बॉडी ऑन
वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, हम जो काम कर रहे हैं हमारी रियल लाइफ में हमें ऐसे ही करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उससे कॉन्सेंट्रेट और उनके जो माइंड है और जो बॉडी है वो सबका क्या है एक ही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमें पूरी तरह से उसका यूज करना चाहिए। इन आवर रियल लाइफ वी शुड कॉन्सेंट्रेट विथ आवर माइंड एंड बॉडी ऑन जो काम हम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग। हम जो हमारे रियल लाइफ में यही होना चाहिए, हम जो भी काम करें उसे क्या है ध्यान से और पूरी दिमाग बॉडी और सभी को एक ही जगह सेंटर में लाके केंद्रित करके ही हमें जो काम कर रहे हैं उस पर हमें बराबर ध्यान देना चाहिए। तो इसका यह है कि ये लेसन बहुत अच्छा लेसन है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा जब तक हमारे पास, हम कोई भी काम नहीं सीख सकते, नहीं रन ना क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं, ना कुछ पढ़ सकते हैं, और हमें एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक ही चीज पर होना चाहिए। एक ऐसा ही काम करने से हमें क्या है कामयाबी मिल सकती है। तो इन अवर रियल लाइफ में भी हमें यही करना चाहिए कि हमें हर काम विद कॉन्सेंट्रेट और माइंड जो है और जो बॉडी है सभी को एक जगह पर सेंटर में ही रखकर जो काम कर रहे हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए। एक्टिविटी बिकम ऑन एक्टिविटी ए फील इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब जो लेसन में से जो है जो योग्य जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उन्हें हमें लेकर ब्लैंक्स को फिल करना है, फिल अप करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। नंबर वन, इफ योर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड, हमारा जो अटेंशन नहीं रहेगा, जो भटक जाएगा दिमाग, जो हमारा जो है दिमाग पर जो अटेंशन अपने जो है तो करते हैं जो भी काम उसे बहकना नहीं चाहिए, तो हम बहक जाएंगे बाय अनवांटेड थिंग्स के लिए। बाय अनवांटेड थिंग्स इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल, हमें क्या है कामयाबी के जो है हमें हमारे हासिल करना वो मुश्किल होगा। तो इफ योर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल। नंबर टू, युधिष्ठिरा हैड नॉट लर्नड द आर्ट ऑफ आर्चरी, युधिष्ठिरा है क्या है उसने जो तीरंदाजी का जो लेसन था उस बराबर उसने लर्न याद नहीं किया था, यहाँ लिखेंगे आर्चरी। नंबर टू, युधिष्ठिरा हैड नॉट लर्नड द आर्ट ऑफ आर्चरी। नंबर थ्री, व्हाइल टेकिंग एम, जब हमने कोई चीज का मकसद पाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, व्हाइल टेकिंग एम अर्जुन कुड नॉट सी एनीथिंग, जब वो अर्जुन को दिया गया, जब बताया गया कि भाई तुम्हें क्या दिखाई देता है, जब उसने तीरंदाजी का जब जो उसका संभाला, उसने जो तीरंदाजी बोर जो कमान जो होती है एरो उसको लिया और उसको पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो वाइल टेकिंग एम तीरंदाजी के दरमियान अर्जुन कुड नॉट सी, अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे सका एनीथिंग एक्सेप्ट, खाली उन्हें क्या दिखाई दिया, क्या एक्सेप्ट किया उन्होंने द आई ऑफ द बर्ड, उन्हें सिर्फ बर्ड की आंख ही दिखाई दे रही थी जिस पर उन्होंने बराबर का निशाना लगाया और वो विनर बने। नंबर थ्री, वाइल टेकिंग एम अर्जुन कुड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट द आई ऑफ द बर्ड। नंबर फोर, अर्जुन वॉज द ओनली वन, अर्जुन ये कैसे थे जो उन्होंने हु हैड अंडरस्टूड, जो समझ सके थे द आर्ट ऑफ टैकिंग एम। तो यहाँ है नंबर फोर, अर्जुन वॉज
द ओनली वन हू हैड अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ टेकिंग अ एम. नंबर 5, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. इफ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेस, तुम्हें कामयाब होने के लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम एक ही चीज पर. अगर हम उसको चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. नंबर 5, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. इफ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेस, तुम अगर कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जिससे हम वो चीज को हासिल कर सकते हैं. तो क्या है नंबर 1, अगेन, इफ योर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स, इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल. नंबर 2, युधिष्ठिरा हैड नॉट लर्नड द आर्ट ऑफ आर्चरी. नंबर 3, व्हाइल टेकिंग एम, अर्जुन कुड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट द आई ऑफ द बर्ड. नंबर 4, अर्जुन वॉज द ओनली वन हू हैड अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ टेकिंग एम. 5, नंबर, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. इफ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेस. नंबर बी है, यहाँ बी है, से वेदर हमें क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. अभी हम नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें हमें क्या है, राइट और रॉन्ग लिखना है. जो सेंटेंस राइट एंड राइट और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग स्टेटमेंट में रॉन्ग लिखना है. नंबर 1 है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट विथ योर बॉडी एंड माइंड ऑन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. हम जो काम कर रहे हैं हमें उसमें क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए विथ योर बॉडी के द्वारा एंड माइंड. अगर जो काम कर रहे हैं उसे हम को इस तरह कॉन्सेंट्रेट के साथ ही करना चाहिए. तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट विथ योर बॉडी एंड माइंड ऑन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. यहाँ लिखेंगे राइट, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, सो राइट हियर राइट. स्टूडेंट्स शुड पे फुल अटेंशन इन द क्लास. हमें क्या है, कोई भी काम करना है तो हमें क्या है, उस काम में ध्यान पूरा रखना जरूरी है, क्लास हो या कहीं भी हो. और यह लिखा हुआ है, टू स्टूडेंट्स शुड पे फुल अटेंशन इन द क्लास. इस स्टेटमेंट क्या है, राइट है, सो राइट हियर राइट. स्टूडेंट्स शुड पे फुल अटेंशन इन द क्लास, राइट. नंबर 3, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, जब तुम बुक पढ़ रहे हो, योर अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग. जब हम जो काम कर रहे हैं उस पर ही हमारा दिमाग क्या है, अटेंशन को हमें फोकस करना चाहिए. तो व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, योर अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो राइट हियर राइट. नंबर 4, व्हेन यू डू वन थिंग एट अ टाइम यू आर एबल टू फुल अटेंशन. व्हेन यू डू वन थिंग, एक काम जब एक ही समय में करते हैं, एक ही टाइम में करते हैं, तो यू आर एबल टू पे फुल अटेंशन टू इट. तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, सो राइट हियर राइट. नंबर 5, इफ यू ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट वन टाइम, एक काम हमें नहीं कर, एक वक्त में एक से ज्यादा काम करेंगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो हम कामयाब नहीं होंगे.
नंबर 5, इफ यू ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, सो राइट हियर राइट.